हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्रिकेट के सबसे इंपॉर्टेंट गेम जो कि है। सो फील्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? एक अच्छा बैट्समैन आपको रन करके देगा, एक अच्छा बॉलर आपको विकेट लेगा, बट एक अच्छा फील्डर आपको हर मैच में कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए मुझे लगता है फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो एक मॉडर्न क्रिकेटर के पास होनी चाहिए। सो गाइस, अगर आपको एक अच्छा फील्डर बनना है तो स्किल, टैलेंट और टेक्निक तो पार्ट्स प्ले ही करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बॉल को एक्सपेक्ट करना सीखिए। आपको हमेशा लगना चाहिए कि बॉल मेरे पास आने वाला है, इससे आप बाकी फील्डर से एक स्टेप अहेड रहोगे, राइट? और यही गैप फिल करता है एक अच्छे फील्डर में और ग्रेट फील्डर में। तो गाइस, पहले बात करते हैं फ्लैट कैचेस की। ये वैसे कहते हैं कि आपको 38 सर्कल में आएंगे, बहुत फास्ट आएंगे, आपको रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स को ध्यान रखिए। आप नाइस एंड लो रहिए, आप टोज पे रहिए, आपका बॉडी वेट बैक नहीं होना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल आप हील्स पर ना खड़े रहिए। मेक श्योर कि आप टोज पे हो, नाइस एंड लो हो, आप बॉल को अच्छे से देख रहे हो, और जब बॉल आएगा तो अच्छे से दोनों हाथ से रिसीव करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर रखिए, डोमिनेंट हैंड को हमेशा ऊपर रखिए। एज मैं राइट हैंडर हूँ तो मैं राइट हैंड को ऊपर रखूँगा, बट आई प्रीफर लेफ्ट हैंड। जो भी आप प्रीफर कर रहे हो, हाथ को आप ऊपर रखिए कुछ इधर से और बॉल को कुछ ऐसे रिसीव करिए। थ्रो बॉल्स, इससे आपका बॉडी टोस पे रहोगे तो आप बॉडी फ्रीक्वेंटली स्मूथली मूव हो सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको मेक श्योर करना आप जब फ्लैट कैच खेल रहे हो। तो वैसे आप बात करते हैं हाई कैचेस की। हाई कैचेस एक बहुत ही अलग स्किल है फील्डिंग में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जब बॉल ऊपर जाता है ना तो लोग मिस जज करते हैं, लाइन को, बॉल के लाइन को समझ में नहीं आते और कैचेस छूट जाते हैं। छूटने के टाइम पे मेन पॉइंट्स होते हैं कि वो हेड को शेक करते हैं, बॉल के नीचे नहीं आते हैं और कुछ फैंसी वे में पकड़ने देते हैं। तो मेक श्योर कि जब बॉल ऊपर जा रहा है तो मेक श्योर कि आप बॉल के लाइन में जाइए, बॉल के नीचे जाइए, कंफर्टेबली पोजीशन में रहिए, और जब बॉल आ रहा है तो उसे रिसीव करें सॉफ्ट हैंड के साथ। जितना सॉफ्ट हैंड उतना परसेंटेज बढ़ेगा आपका कैचेस पकड़ने का। तो मेक श्योर कि सॉफ्ट हैंड्स, कंफर्टेबल, बॉल को लास्ट तक देखिए और बॉल के लाइन को बहुत जल्दी जज करिए। सब बात करते हैं ग्राउंड फील्डिंग की। ग्राउंड फील्डिंग को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अटैकिंग फील्डिंग और एक होता है डिफेंसिव। अटैकिंग मतलब आप जब 38 सर्कल्स में हो तो मेक श्योर कि बॉल आपके पास फटाक से और बैट्समैन सिंगल के लिए देख रहा होगा, तो मेक श्योर कि आप बॉल को एक हाथ से पिक करना है और थ्रो करना है रनआउट के लिए। बट जब डिफेंसिव फील्डिंग की बात आती है, आप बाउंड्री लाइन पर रिलैक्स कर रहे हो, आपको टाइम मिलता है, बॉल जोर से आता है, तो मेक श्योर कि आप बैट के बॉल को रिसीव करें, क्योंकि वहाँ से बॉल छूटा तो 4 रन जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप बैठे अच्छे से रिलैक्स होकर बॉल को थ्रो करिए, राइट? और जो दो तरह का होता है कि की पॉइंट्स है कि मेक श्योर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बॉल को रुकाना और उसी के साथ क्लीनली पिक करके कीपर या बॉलर के पास वापस थ्रो कर देना। तो लेट्स सी सम प्रैक्टिकल ग्राउंड फील्डिंग। आपने अच्छे से भाग के बॉल को कवर किया और बॉल को स्टॉप किया, बट आपका जो पूरा मेहनत है वो वेस्ट ना हो, इसलिए मेक श्योर कि आप बॉल को अच्छे से कलेक्ट करने के बाद अच्छे से थ्रो करिए बॉलर या कीपर एंड पे। तो मेक श्योर कि आप जब बॉल को थ्रो कर रहे हो, ये आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका डायरेक्शनल हैंड होना चाहिए, कहाँ पर थ्रो करना आप उससे डिसाइड करिए, और ये हाथ से पूरे पावर के साथ आप राइट एंड पर थ्रो करिए। और मेक श्योर कि जो जब भी आप थ्रो कर रहे हो तो हाफ बॉल ही थ्रो मत करिए, कीपर को कलेक्ट करने को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इधर उसके थोड़े पीछे करिए तो टप्पा थ्रो, इधर डायरेक्ट दीजिए, इससे वो इजीली कलेक्ट करके रनआउट कर सकता है। तो पूरा जो गेम है वो थ्रो पे डिपेंड करेगा। आपकी एफर्ट्स तभी काउंट होगी जब आप प्रॉपरली बॉल रुका के थ्रो करते हो। तो लेट्स सी सम प्रैक्टिकल थ्रोस। मेक श्योर कि बॉल को कलेक्ट करिए, प्रॉपरली बॉल को थ्रो करिए इस तरह से। बॉडी स्टेबल होनी चाहिए, हाथ
आपका एमिंग हैंड होना चाहिए और ये आपसे पूरी पाव के साथ और कंप्लीट करिए। इससे क्या होगा, आपका शोल्डर का भी इशू नहीं होगा और आपका थ्रो परफेक्ट जाएगा और थोड़ा पावर के साथ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है व्हाइल यू थ्रोइंग द बॉल। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको एक अच्छा फिटर बनना है तो मेक श्योर आप इनफ प्रैक्टिस करिए एंड कीप प्लेइंग एंड कीप इट सिंपल।